हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डार्लिंग, वेस्ट बंगाल वर्तमान से। ये मेरे पास एमआई का एंड्रॉइड सेट है, ठीक है। इसका जो मॉडल नंबर है L32M5AN, ठीक है। इसका जो मदरबोर्ड है, देखिए ये एंड्रॉइड मदरबोर्ड है। और मैं ये मदरबोर्ड का सॉफ्टवेयर कैसे रीड करता है प्रोग्रामर से, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, ओके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, ईएनसी रीड करने से पहले थोड़ा जानकारी दे दूं मैं ये बोर्ड के बारे में। ये है प्रोसेसर, और ये वाला जो है, ये दोनों आईसी रैम है, ठीक है। और ये है ईएमएमसी आईसी, और इसका प्रोसेसर का ऊपर जो है ये छोटा वाला, ये 4 पिन का क्रिस्टल है, ठीक है। ये क्रिस्टल प्रोसेसर का है, और ये जो क्रिस्टल है ये ट्यूनर के लिए है, ट्यूनर सेक्शन के लिए है, ठीक है। और यहाँ पर जो आईसी है, ये आईसी वाईफाई सेक्शन है, ठीक है। अभी ईएनसी आईसी कैसे रीड करता है RT809 प्रोग्रामर से, कैसे रीड एंड राइट करता है, और इसका कनेक्शन कैसे होता है, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगी, ओके। दोस्तों, रीड करने कनेक्शन करने से पहले फर्स्ट आपको क्रिस्टल को ग्राउंड के साथ शॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं इधर देखिए, पूरा ये दोनों जम्पर मैंने क्रिस्टल को ग्राउंड के साथ शॉर्ट कर दिया, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट कर दिया, देखिए, ओके, ठीक है। कनेक्शन होगा यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये कनेक्शन होगा सीएल के, ठीक है, ओके। और इसका जो सीएमडी कमांड और D0 का कनेक्शन नीचे का बोर्ड का पीसीबी का नीचे का साइड होता है, ठीक है। ये वाला जो कनेक्शन है, टेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर D0 का कनेक्शन होगा, ओके। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस रेजिस्टेंस में यहाँ पर CMD का कनेक्शन होगा, कमांड के कनेक्शन होगा, ओके। दोस्तों, ये है प्रोग्रामर। अभी फ्रेंड्स, ये प्रोग्रामर का जो कनेक्शन है, क्या क्या कनेक्शन है, इसका बारे में थोड़ा जानकारी दे दूँ आपको। ये ऊपर का लाइन से जो फर्स्ट पिन है, ये ग्राउंड कनेक्शन है, ठीक है। और नीचे के लाइन से फर्स्ट पिन जो है सीएल के है, 2 नंबर पिन है सीएमडी कमांड, और 3 नंबर पिन जो है D0 का कनेक्शन है। तो अभी मैं बोर्ड के साथ कनेक्शन करेंगे, और आप लोग देखिए कैसे कनेक्शन होता है। फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हैं कि मैंने कनेक्शन कर दिया। ये है सीएल के, और पीसीबी का जो नीचे साइड है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर D0 को कनेक्शन मैंने कर दिया, और ये है सीएमडी कमांड। ये जो रेजिस्टेंस है, ये मैंने कमांड का कनेक्शन कर दिया, ओके। फ्रेंड्स, पहले तो आपको ये मदरबोर्ड को पावर देना पड़ेगा, फिर मैंने कनेक्शन कर दिया प्रोग्रामर लैपटॉप के साथ कनेक्शन कर दिया। ये देखिए, कनेक्शन कर दिया। अभी मैं सॉफ्टवेयर रीड करने जा रहा हूँ, आप लोग देखिए। पहले तो आपको RT809H का सॉफ्टवेयर ओपन करना पड़ेगा। मैंने ओपन कर लिया,
फिर आपका ये आएगा, ये यहाँ पर यस करना पड़ेगा आपको। यस करने का बाद कुछ इस तरह का विंडो आएगा, ठीक है। फिर आपको स्मार्ट आइडेंटिफाई में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ENC ISP पे आपको इंटर करना पड़ेगा। फिर आ गया ये ओके साइन आ जाएगा, तो फिर आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग के जाने के बाद आपको यहाँ पर दो वोल्टेज मिलेगा, 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट। पहले तो मैं 1.8 वोल्ट में देखेंगे रीड होता कि नहीं, अगर एरर आए तो फिर 3.3 वोल्ट में जाएंगे, ठीक है। तो 1.8 वोल्ट सिलेक्ट कर दिया। फिर मैं ये boot 1, boot 2, RPMB और EXT सिलेक्ट कर दिया, ये सब फाइल सिलेक्ट कर दिया। फिर ओके ओके करने के बाद रीड बटन, रीड जो है यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। अभी रीड क्लिक करने के बाद फाइल का नाम आपको लिख देना पड़ेगा। ये मैंने फाइल का नाम लिख दिया। फिर आपको मैंने लोकल डिस्क डी में सेव करेगा, तो फाइल यहाँ पर आपको फिर सेव करने का पड़ेगा। सेव करने का बाद देखिए रीड हो रहा है, रीड हो गया, ठीक है। रीड जब हो जाएगा तब ये देखिए EXT CSD रीड फाइल सक्सेसफुल, फाइल सेव्ड, boot 1 रीड सक्सेसफुल, फाइल सेव, boot 2 रीड सक्सेसफुल, फाइल सेव, और RPMB रीड सक्सेसफुल, फाइल सेव, ठीक है। सेव हो गया अभी। फिर आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, फिर इस ये सब फाइल हटा देना पड़ेगा। फिर मैं यूजर फाइल को अभी रीड करेगा, तो यहाँ पर ओके, फिर ओके, फिर रीड में जाना पड़ेगा। फिर ये आएगा, ठीक है। ये आने के बाद फिर अब आप लोग यहाँ पर सेव कर देना। आ गया अभी स्टार्ट टू रीड यूजर एरिया डाटा एंड सेव लार्ज कैपेसिटी। ये फाइल ज़्यादा लंबा है, ये 3 GB 4 GB का फाइल होता है, ठीक है। ये तकरीबन 40 मिनट 45 मिनट का समय लेता है, ठीक है। तो देखिए अभी रीड का प्रोसेस चालू है, इधर LED ब्लिंक कर रहा है। ये 1% अभी आ चुका है। रीड का प्रोसेस चालू है अभी। और इस बोर्ड के बारे में अब मैं आप लोगों को थोड़ा जानकारी दे दूं। जो आप लोग ENC का कनेक्शन कीजिएगा तो बहुत ही केयरफुली कनेक्शन कीजिएगा। अगर कनेक्शन गलत हुआ तो आपका बोर्ड डेड भी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ही सावधानी से कनेक्शन करना और फाइल रीड करना, ठीक है। अभी 2% हुआ है, ठीक है। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं पॉज करके दिखाऊंगी, ठीक है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि अभी 24% हुआ है, अभी रीड हो रहा है। मैं फिर आता हूँ, रीड
हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगी पूरा पूरा रीड। दोस्तों देख लीजिए अभी ये कितना हुआ, आप देख सकते हैं 58% हुआ है। ठीक है, यूजर फाइल मैं फिर दिखाऊंगी। और आप लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, जो ईएनसी फाइल बैकअप लेना बहुत ही जरूरी है, इसलिए कि फ्यूचर में ये फाइल आपको काम दे सकता है। ठीक है, इसलिए बैकअप लेना बहुत ही जरूरी है। ओके दोस्तों, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। ओके फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये अभी 99% हो गया, ये फाइल रीड अभी भी चल रहा है। अभी ये 100% हो जाएगा। ये देखिए 100% हो गया है। ठीक है, अभी देखिए मैं पहले बूट वन बूट टू आरपीएम ये चार फाइल मैंने रीड किया था, फिर सेकेंड टाइम मैंने यूज़र फाइल डेटा रीड किया। अभी देखिए द डाटा इज़ रीड एंड वेरीफाइड सक्सेसफुली। ओके ठीक है, अभी फाइल कहाँ पर सेव हुआ है और कितना फाइल है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी रीड ईएनसी रीड कंप्लीट हो जाने के बाद प्रोग्रामर का लाइट ब्लिंकिंग बंद हो गया। ठीक है, एक फाइल कहाँ पर है अब देख लीजिए एक बार। ठीक है, मैं ये डी ड्राइव में मैंने सेव किया था, अभी डी ड्राइव में ओपन करेंगे। फिर MIENC मैंने फोल्डर का नाम दिया था, अभी ये फाइल खोला मैंने। पहले दो फाइल में बना, अभी दो फाइल, पहले वाला जो फाइल है ये देखेंगे। ये देखिए पहले वाला जो फाइल है ये चार फाइल सेव हुआ है, रीड हुआ है। ठीक है, और सेकेंड फाइल में ये यूज़र फाइल बिन फाइल रीड हुआ है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो वॉच करने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरा नेक्स्ट वीडियो अपडेट वीडियो देखने के लिए, और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। ओके थैंक्स यू बाय, थैंक्स अ लॉट।